जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बढ़ते बिना देर के क्वेश्चनों की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? जो स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, वो किस विटामिन की कमी से होता है चेक करना है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। ऑप्शन ए में देगा विटामिन डी, जो कि नहीं है। नेक्स्ट विटामिन के भी नहीं है, ऑप्शन ए विटामिन सी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, जो कि स्कर्वी रोग के कमी के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन दोस्तों ए डी ई और के, ये तीन चारों विटामिन होती है जो कि वसा में घुलनशील होती है, और पानी में घुलनशील विटामिन होती है बी और सी। तो यहाँ पे देखते हैं इनका रासायनिक नाम दिया गया, तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन में है टेकोफेरोल और नियासिन, ये भी नहीं। कैल्सिफेरोल, कैरोटीन और टेकोफेरोल, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वसा में घुलनशील विटामिन है ये तीनों। और इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं, कैल्सिफेरोल कहा जाता है विटामिन डी को, और टेकोफेरोल कहा जाता है विटामिन ए को। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसे किसी भी पशु में नहीं पाया जाता है। विटामिन का नाम बताएं जो कि पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं कौन सा होगा। विटामिन बी12, ये भी नहीं होगा। विटामिन सी, जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का अच्छा स्रोत विटामिन ई, जो कि सब्जियों से इन्हों से प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी दिया गया, ताज़ी सब्जियों से प्राप्त होता है विटामिन सी ई, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से पर्निशियस एनीमिया, जिसे रक्त अल्पता कहा जाता है, रोग होता है? कौन सा विटामिन है निम्न में से जिसकी कमी से पर्निशियस रोग होता है? ऑप्शन ए में देगा विटामिन बी, ऑप्शन बी में देगा विटामिन बी12, ऑप्शन सी में देगा विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी12 के कारण पर्निशियस एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट का आवश्यकता पड़ती है? कौन सा विटामिन है जो अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता रखता है? ऑप्शन ए विटामिन बी12, इसका करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा, विटामिन बी12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन गर्मी से आसानी से नष्ट किया जा सकता है? जब गर्मी होती है तो उससे अधिक ज़्यादा गर्मी से वो नष्ट हो जाता है, कौन सा विटामिन है? ऑप्शन में देगा राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी में देगा एस्कोर्बिक एसिड, ऑप्शन बी में दिया गया दोस्तों टेकोफेरोल, ऑप्शन डी में दिया गया थियामिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्कोर्बिक एसिड, जिसे विटामिन सी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा रोग जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सूखा रोग जो कि विटामिन में हड्डियों को प्रभावित करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन सा अन्य स्रोत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वो तो सही है, लेकिन इसके अलावा ऐसा कौन सा है जो कि इन चारों ऑप्शनों में से जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसा के द्वारा भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से स्कर्वी, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है दोस्तों डर्मेटाइटिस, ऑप्शन सी है बेरी, जो कि विटामिन बी1 की कमी से होता है। ये बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पे बी1 है, विटामिन बी1। नेक्स्ट दोस्तों, विटामिन बी6 के कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? विटामिन बी6 की कमी से होने वाला रोग के बारे में बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए दिया गया सूखा रोग, नेक्स्ट दोस्तों स्कर्वी, बेरी जो कि विटामिन बी1 की कमी से होता है, जो कि अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में आया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्त अल्पता रोग होता है विटामिन बी6 की कमी के कारण। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए दिया गया प्रोटीन,
ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है दूध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जरूरत होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसे शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? शरीर का निर्माण खंड किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए प्रोटीन को कहा जाता है शरीर का, मानव शरीर का निर्माण खंड। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित रहता है? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के शरीर में कौन से रूप में पाया जाता है? तो ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च, ऑप्शन सी है ग्लाइकोजन, और ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।